हेलो व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू अंदर मिलता जिंग मिलने लग गई मतलब मेरा जैसे अपना ट्रैप टेस्ट लिमिट आउट 2। और अभी देखना भाई, मैं करने वाला हूं अपने बर्फी मतलब इन्फर्नो स्लग को मेगा मॉर्फ। और ये हो चुका है अपना इन्फर्नो मेगा मॉर्फ, और अभी हो चुका है कई गुना ज्यादा पावरफुल। और मैंने इसे मेगा मॉर्फ करा क्योंकि अभी हम जा रहे हैं सीधे एक युद्ध में जिसमें हमें अपने बॉस को हराना है और विन एनी बैटल यूजिंग मेगा मॉर्फ स्लग। तो अभी मेरे पास मेगा मॉर्फ है तो अभी जीतते हैं बैटल मेगा मॉर्फ स्लग के साथ। इसी बात का इंतज़ार था मेरे को, सिर्फ एक ही बार बना और स्लग बन जाएगा, पर अभी मेरे पास बाकी स्लग मेगा मॉर्फ नहीं है। और ये ख़त्म, अभी भी बचा हुआ है। और ये ख़त्म नहीं, अभी ख़त्म। जिद्दी आदमी है, बहुत ज़्यादा जिद्दी है। और ख़त्म, और ये मिल चुका है मेरे को एक नया कैरेक्टर जो मिला था वो मैंने यूज़ कर लिया है लेज़र। आर्म शील्ड इन्फर्नस फोर्जेस मेल्टर। अभी एक और मेगा मॉर्फ स्लग चाहिए, उसके लिए मेगा मॉर्फ स्टोन लीजिए इवोल्यूशन स्टोन, और वो मिलेंगे मेरे को मेगा मॉर्फ से जीतने के लिए और एरेकनेट से जीतने के लिए। तो एरेकनेट रख लेता हूँ मैं अभी, और इसे थोड़ा सा अपग्रेड भी कर लेता हूँ क्योंकि अभी नया 99 कैवर्न्स में एंटर कर रहा हूँ, वो भी चिलबॉर्न है। 9 मैचेस जीते हैं मेरे को इधर चिलबॉर्न कैवर्न में। और इधर से मेगा मॉर्फ इवोल्यूशन स्टोन भी मिल जाएंगे, सॉरी। अरैकनिड स्लग को भी थ्रो करना पड़ेगा भाई, नहीं तो मैं जीतूंगा कैसे। चलो मेगा मॉर्फ भी यूज कर लिया, अरैकनिड भी यूज कर लिया। पर ऐसे 9 मैचेस में करना पड़ेगा। ये बनाओ, अभी एक प्लान है मेरे पास। और ये बनने ही वाला है बस, और अभी होने वाला है कंप्लीट। ये गया, ये भी गया, फुल हेल्थ हो चुकी है मेरी, और ये ख़त्म हो जाना चाहिए। नहीं भी होगा, कोई नहीं, ये आखिरी बार होना चाहिए। नहीं भी होगा, कोई नहीं, और ख़त्म। और अभी सिर्फ 7 मैच और जीते हैं, और मेगा मॉर्फ स्टोन भी मिल जाएंगे फ्री में ही। और ख़त्म,
10 कॉइन से ज़्यादा कुछ मिल ही नहीं रहा भाई। रैकनेट भी यूज़ करना पड़ रहा है, नहीं तो मैं बहुत तेज़ी से जीतता। रैकनेट भी डाल देता हूँ, पर मैंने एक पहले से ही डाल रखा है इस पर। और अभी बॉस बैटल। बॉस कौन है? मंच मंच मूड है। चलो खत्म। दो इवोल्यूशन स्टोन और दो जेम्स, दो दो करके मिल रहे हैं भाई इसमें तो। और अभी नर आई है, ओ मैंने रैकनेट यूज ही नहीं करा। कोई नहीं, ओ लेजर वर्सेस लेजर, वाओ। चलो अभी खत्म, अभी फाइनल मूव। मेरे को पता था थोड़ी सी हेल्थ बचेगी, इसलिए मैंने ये दोनों भी फेंक दिया और ये खत्म। 7 मैच हो गए। वायलेट आई है, वायलेट को तो मैं ऐसे ही हरा दूंगा। अरे थ्री का डैमेज है इसका, अरेक्नेट का, तो ये भी फेंक देते हैं इसके साथ। और इसके साथ डॉग भी फेंक देते हैं अपना, ये भी ये भी ये भी। 94, 97 और 75। और अभी डुअल करते हैं रफ रेलवे। ये भी गया, रैकनेट भी गया। खत्म। पर 9 मैचेस हो गए, पर मैं 10वां भी खेलूंगा, क्योंकि एक ही मैच खेल के भी मेरे को 2 इवोल्यूशन स्टोन और 2 डायमंड मिलेंगे, तो क्यों छोड़ना भाई मौका। और वैसे भी एक एक मैच में मैंने अपना रैकेट यूज़ नहीं करा था, अभी हो जाएगा। और ये ओ भाई दिमाग लगा दिया बंदे ने। कोई नहीं, इसके दिमाग को मैं अभी बताता हूँ। नहीं 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 जलीश नहीं, हाँ बहुत सही, भी बताता हूँ इसको, सब जाएंगे एक साथ। ना फ्रॉस्ट रोलर नहीं फेंका होता तो एक ही बारी में ख़त्म हो जाता, पर अब ख़त्म हो जाएगा। तो इजी बॉस देते हैं भाई, 3 इवोल्यूशन स्टोन मिले इस बारी।
अभी देखते हैं दोनों चैलेंजेस पूरे हुए। हो गया ये पूरा, ये भी हो गया पूरा, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अभी विन डुअलिंग मोड, डुअलिंग मोड जीतने में मिल रहा है, पर इसका फूड चाहिए भाई, जो मेरे को नहीं मिल रहा है कहीं पे भी। चेस्ट से तो छोड़ो, स्टोर में भी नहीं मिल रहा है भाई। ये देखो स्टोर में भी नहीं है इसका फूड, तो चलो डुअल करना पड़ेगा उसके लिए। टफ रेलवे, ओ भाई इसके पास डूम स्पाइकर है, धूल्स यूज कर रहा है भाई ये डॉक्टर ब्लैक का आदमी है। और इसके डूम स्पाइकर से बच के रहना पड़ेगा, और ये भयानक स्लग, खतरनाक स्लग। चलो अब ये गया सीधे 1000 का डैमेज, 650 बस। सिल्वर चेस्ट अच्छी चीज मिली, पर इसके लिए मिलना चाहिए था एक गूल के लिए डार्क चेस्ट मिलना चाहिए था, उसके पास धूल्स नहीं है, इससे डार्क चेस्ट नहीं मिलने वाला। ऐसे बंदों को तो मैं ऐसे ही मार दूंगा भाई अपने फर्नस से। अरे भाई इतनी सी हेल्थ कैसे बचेगा तू? इंस्टेंट चेस्ट को तो मैं इंस्टेंटली नहीं खोलने वाला हूँ, क्या पता है 3 सेकेंड चेस्ट हो। एसिड श्रिम्प आ चुका है, एसिड श्रिम्प को तो मैं अभी हराता हूँ। डॉग भी ले ले, ये भी ले भाई। इसकी 4600 हेल्थ है, मैंने 3000 कर दी मार मार के इसको। अभी इसको मारना पड़ेगा डॉग से, डॉग से मारने का उतना फ़ायदा नहीं है, ये एक हीलर है, ये उतना डैमेज नहीं देता है, पर आर्म शील्ड और इन्फर्नस से मारने में ज़्यादा फायदा है, क्योंकि फ्रॉस्ट ट्रॉलर भी एक डिफेंसिव मोड में खेलने वाला है। लगे सबसे ज़्यादा डैमेज इधर मेरे पास अपने इन्फर्नस से है, जो कि तोड़ दिया गया है एसिड श्रिंप द्वारा। अब ये जाएगा, इसने मेरे बर्फी को तोड़ा है, ये तो गया। आर्म शील्ड, आर्म शील्ड भी बन चुका है, अब तो ये गया खत्म। भाई इतने ज़्यादा जम्स देता है ना ये, और वो आइस वाला मॉन्स्टर फ्रोस्ट वॉर्म। टेजर लिंक का मिला आखिरकार, कहाँ है टेजर लिंक? ये रहा, अगला बंदा डॉक ही होने वाला है जिसको मैं मेगा मॉर्फ करूंगा। दो और ड्यूलिंग मोड जीतने, चलो जीतते हैं।
और खत्म। स्टैंडर्ड चेस्ट, बस स्टैंडर्ड चेस्ट। इनफ रेलवे आ चुका है। उसके पास फॉस्फोरस लग रहा है। भाई फॉस्फोरस से कौन खेलता है भाई, कितना नूबड़ास लगे है। गोल्डन चेस्ट भाई, इसको तो खोल के रहूंगा। खोलने चलते हैं, चलो। तो अभी इधर स्लग इट आउट टू, लोड ही नहीं हो रहा भाई, इतना टाइम क्यों लेता है। हो गया, और इसे ओपन कर लेते हैं। नाइन जेम्स, सैंड एंगलर, फ्रॉस्ट क्रॉलर और रैमस्टोन मिला भाई, बहुत ही अच्छा स्पेलर मिल चुका है। भी चैलेंजेस देखते हैं। ओपन एट चेस्ट, दो चेस्ट और खुलेंगे और जीत जाऊंगा रिवॉर्ड। विन एनी बैटल यूजिंग इन्फर्नस, पांच, सिर्फ पांच ही मिल रहे हैं, क्या करूंगा मैं इनका। चलो हॉप रॉक स्टैंडर्ड चेस्ट भी खोल लेते हैं। अभी अभी आखिरी मेन बेस्ट चेस्ट हमारा। और इधर ओपन एनी चेस्ट वाला हो चुका है, डन। और इधर गोल्ड चेस्ट में से मिलेंगे 12 जेम्स मिल चुके हैं, एक इवोल्यूशन स्टोन, टेजर लिंक का अपग्रेड जो कि बहुत ही ज़रूरी था, फ्रॉस्ट रोलर का अपग्रेड और Z3D, ये मैं ले रहा हूँ सीधे आर्मी शेल्ड की जगह, क्योंकि भाई ये ऐसा स्लग है ना, मतलब लेवल वन लीस्ट लेवल, सबसे कमज़ोर कितना ही हो भाई, कुछ भी कितना ही लो कर लो इसको, ये हमेशा वो रहता है, एक स्लग को डिफीट कर देता है, चाहे वो लेवल 3 का मेगामॉर्फी क्यों ना हो। सो गाइस वीडियो लेकर